To get a notification of more such videos, subscribe to our channel and press the bell icon. Namaskar dosto. On the occasion of World Homeopathy Day, I pay my tributes to our master, Dr. Christian Frederick Samuel Hahnemann. तो दोस्तों आज विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर मैं आपके सामने लाया हूँ एक 2020 के इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर के मन की बात। दोस्तों आपने सुना होगा कि हमारे मोहल्ले में, हमारे अपार्टमेंट में या हमारी सोसाइटी में एक अंकल रहते हैं जिन्हें होम्योपैथी का बड़ा शौक है और वो जब दवाई कोई बताते हैं तो वो दवा बड़ा अच्छा काम करती है। तो दोस्तों क्या होम्योपैथी सिर्फ शौकिया तौर पर किताबों से पढ़ी हुई चिकित्सा पद्धति है? नहीं दोस्तों, होम्योपैथी में एक फुल फ्लेश्ड बैचलर कोर्स होता है जिसे हम BHMS बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको पता होगा कि BHMS और MBBS का सिलेबस, जो दोनों ग्रेजुएट कोर्सेज हैं मेडिसिन के, दोनों का सिलेबस सेम है। सेम इसलिए कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं यानी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स और सर्जरी, ये सारे सब्जेक्ट्स वही सब्जेक्ट्स हैं जो होम्योपैथी में भी पढ़ाए जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि होम्योपैथी के चार अलग सब्जेक्ट्स हैं जो कि उसके साथ में पढ़ाए जाते हैं। मुझे दुख इस बात का है कि जब सिलेबस सेम है, सेम किताबों से पढ़ाया जाता है, तो उसके बाद आखिर क्यों हमको कैंप प्रैक्टिशनर्स यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन के प्रैक्टिशनर्स के तौर पर देखा जाता है। तो दोस्तों आज हम 2020 के मॉडर्न होम्योपैथिक डॉक्टर्स, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करते हैं। जब आप हमारे पास आते हैं तो हम डायग्नोसिस की बात करते हैं, प्रोग्नोसिस देखते हैं, नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस इनकी रिक्वायरमेंट है वो कराते हैं, उसके बाद हम कोई होम्योपैथिक दवा देते हैं। फिर हम आपको बताते हैं कि जब आप आए थे तो आप बीमार थे, इन कारणों से बीमार थे, ये कमियां थी आपके शरीर में, और अब इलाज के बाद आपके शरीर में इस तरह से चेंजेस आए हैं, अब आप पहले से बेहतर हो चुके हैं, जो कमियां थी वो दूर हुई हैं। हम इस तरह की एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करते हैं। पर फिर भी होम्योपैथी को सूडो साइंस कहा जाता है, ये बहुत दुख की बात है। आपको मैं ये भी बता दूं कि हमारी फिलॉसफी पर सवाल उठाए जाते हैं। हमारी फिलॉसफी है होलिस्टिक अप्रोच, यानी मरीज एक है, उसके अंदर बीमारियां कितनी भी हों, हम इलाज मरीज का मरीज के तौर पर करते हैं, एक इंडिविजुअल के तौर पर करते हैं, ना कि बीमारी को देखते हुए करते हैं। एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर आप बीमार हैं, काफ़ी समय से बीमार हैं, और धीरे धीरे करके आपके शरीर में कई सारी बीमारियां डेवलप हुई, जैसे पहले आपको हाइपरटेंशन हुआ, फिर आपको थायराइड हुआ, फिर उसके बाद परिस्थितियां और बिगड़ती चली गई, फिर आप डायबिटिक हो गए, और फिर डायबिटीज़ के बाद धीरे धीरे आपकी किडनी पर असर आ गया, और अगर हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी दवा देना चाहते हैं जो मरीज यानी एक इंडिविजुअल की दवा है, जो सभी तरह की बीमारियों पर इक्वली काम करती हो, जिसका स्फीयर ऑफ एक्शन सब बीमारियों को या सब सिम्टम्स को कवर करता हो, और फिर आपको उस दवा से आराम आए, तो दोस्तों क्या ये होलिस्टिक अप्रोच गलत है? इसके विपरीत आप अगर किसी अन्य चिकित्सा पद्धति में जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो एक बीपी की दवा आप लेंगे, अगर आप डायबिटिक हैं तो एक डायबिटीज़ की दवा आप लेंगे, अगर इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है तो उसके साथ में इंसुलिन भी आपको दी जाएगी, उसके बाद यदि आपको शरीर में और कोई व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं तो उसकी दवा अलग से दी जाएगी, किडनी अगर आपकी इफेक्ट करने लग जाती है तो वो दवा अलग से दी जाएगी, तो आपके पास कुल मिला के 5 या 6 दवाइयाँ हो जाएंगी, उसके साथ में शरीर की कमजोरी के लिए आपको एक मल्टीविटामिन दिया जाएगा। ये एक नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन है जो कि गलत नहीं है, क्योंकि जब आप किसी अन्य चिकित्सा पद्धति की बात करते हैं तो वहां पे उनका प्लान ऑफ ट्रीटमेंट ही यही है। लेकिन अगर हम होलिस्टिक अप्रोच रख के एक ऐसी दवा के बारे में बात करते हैं जो आपके शरीर को इन ऑल ठीक कर सकती है, तो क्या ये होलिस्टिक अप्रोच गलत है? इससे शरीर में दवाइयां भी कम जाती हैं, मरीज को कम दवा खानी पड़ती है, उन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। दोस्तों एक ऐसा सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो एविडेंस बेस्ड हो, जो होलिस्टिक अप्रोच रखता हो, जिसे इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड डॉक्टर्स फॉलो करते हों, क्या आप ऐसे सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एक कल्ट प्रैक्टिस कहेंगे? नहीं दोस्तों, आप विश्वास मानिए, भारत में होम्योपैथी की मार्केट वैल्यू लगभग 2,800 करोड़ से ज़्यादा है, और इसका श्रेय उन मरीजों को जाता है जिनको होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से लाभ हुआ है,
उन डॉक्टर्स को जाता है जो लगातार होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को अपना रहे हैं और मरीजों को ठीक कर रहे हैं। उन टीचर्स को जाता है जो अब नए बच्चों को होम्योपैथी के नए आयामों के बारे में बता रहे हैं और होम्योपैथी सिखा रहे हैं, साथ ही डायग्नोसिस के बारे में समझा रहे हैं और उनको एक मॉडर्न होम्योपैथिक चिकित्सक बना रहे हैं। हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स का इतना क्रिटिसिज्म क्यों होता है? क्योंकि हमारा कोई स्पेसिफिक प्लान ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही हमारा स्पेसिफिक प्लान ऑफ ट्रीटमेंट होता है, पर उसके पहले हम डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस पर उतना ही फोकस करते हैं जितना किसी और चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक। मैं एक एमडी होम्योपैथिक चिकित्सक के नाते यह कह सकता हूँ कि होम्योपैथी एलर्जी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे सोरियासिस, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे ओवेरियन सिस्ट, स्किन डिसऑर्डर्स जैसे एक्जिमा और ना जाने कितनी और बीमारियों में उतनी ही इफेक्टिव है जितनी कोई और चिकित्सा पद्धति। तो मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, व्हाई नॉट होम्योपैथी? जब आप बीमार हैं, तकलीफ में हैं, दवा की आवश्यकता है, तो क्यों ना एक इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श लें? होम्योपैथी आज भी सेफ है, इकोनॉमिकल है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो मैं आशा करूंगा कि आप होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को अपनाएंगे। धन्यवाद। टू गेट अ नोटिफिकेशन ऑफ मोर सच वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।